अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम टू सेक्शन में अपना मेकअप करेंगे, एक तरफ प्राइमर के साथ और एक तरफ प्राइमर के बगैर। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि जैसे इंसान सांस के बगैर जी नहीं सकता, इसी तरह प्राइमर के बगैर आपका मेकअप चल नहीं सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का प्राइमर। हम लेंगे प्राइमर और लेफ्ट साइड पे मेरी रिंग है तो लेफ्ट साइड की तरफ हम प्राइमर लगाएंगे। मैं चाह रही हूँ थोड़ी आधी नाक पे भी लगाऊं क्योंकि यहाँ पोर्स होते हैं तो पता चलता है अच्छे से। फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेबेलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस है। तो मैं अप्लाई करूँगी इसको ब्रश के साथ, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो शेक कर लेंगे इस्तेमाल करने से पहले। सबसे पहले हम अपना प्राइमर वाला जो एरिया है उस पर लगाएंगे, फिर मैं दूसरी तरफ भी आपको लगा के करीब से दिखाऊंगी। डे लाइट है, कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रही मुझे लाइट। जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है ताकि बिल्कुल हकीकत से करीब जो होता है कलर उसके साथ आपको नज़र आए। उसमें तो बहुत ही ऐसा साफ शफाफ आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ भी है नहीं। तो प्राइमर तो आपने देखा ही, फाउंडेशन अप्लाई करके कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी रिज़ल्ट तो फौरन सामने नहीं आएगा, एक कवरेज जो है वो आप थोड़ी सी देख सकते हैं, इस तरफ नहीं है, इधर वैसे भी पिंपल है तो आपको पता ही चल रहा होगा कि अभी तक फाउंडेशन यहाँ लगा नहीं गया, तो आप देख सकते हैं। अब इस तरफ जो है मैंने सिर्फ अपनी जो डे क्रीम है वो लगाई हुई है, नथिंग एल्स। अवल एक चीज़ और मैं आपको, बस सिंपल है, कोई फाउंडेशन आप कह लो कोई अच्छा है या शुरू शुरू में, मतलब कि जब अभी आपने लगाया है स्टार्ट में, तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा एक फ़र्क इमीडिएटली का, तो आपने कभी भी सोचना नहीं है अरे नहीं प्राइमर की ज़रूरत ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चल रहा। और ये बात अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगी, क्योंकि एक तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा दोनों में। देख सकते हैं जब मैं प्राइमर लगाती हूँ तो ये जो है ये अच्छे खासे कवर हो जाते हैं। अभी आप ये यही फ़र्क, पहला फ़र्क यही देख सकते हैं कि ये अगर प्राइमर ना लगा हुआ हो तो ये जो घड़े से होते हैं ये कवर नहीं होते। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है कंसीलर। तो कंसीलर जाहिर सी बात है दोनों जोन में लगेगा, नाक के बीच में, माथे पे और यहाँ पे, और इसके अलावा दोनों अंडर आई एरिया पे लगेगा। तो इसको पहले लगा लेते हैं। कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है वो मेबेलिन का है न्यूड शेड में। अब जब फाउंडेशन लग गया, कंसीलर लग गया, तो बारी आती है सेटिंग पाउडर की। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो प्रेस पाउडर है, कि हम लगाएंगे जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पर जहाँ हमारा प्राइमर है वहीं पे हम सेटिंग पाउडर भी लगाएंगे। और इस तरफ सेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखना है कि विदाउट एनी सेटिंग हमारा मेकअप कैसे अपनी जगह पे रह सकता है। तो ये हो गई हमारी सेटिंग। अब मैं करती हूँ अपना मेकअप फिनिश और मिलते हैं फिनिश मेकअप के बाद। तो जनाब ये है मेकअप फुल ऑन। मैंने लगाया है ब्लश, लिक्विड हाइलाइटर और कंटूरिंग पाउडर से पूरा फेस कंटूर किया है। लिक्विड हाइलाइटर जो है वो मेकअप रेवोल्यूशन का है। आप थोड़ा सा फ़र्क देख सकते हैं, ये है प्राइमर के साथ वाला, इस फिनिश को आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं, और ये है विदाउट प्राइमर फिनिश। मैं नहीं कुछ बताऊंगी,
आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या फ़र्क अभी आपने देखा। मैं आपको थोड़े घंटों बाद थोड़ा जो ये जो मेकअप है ये हिले जुलेगा, तो उसके बाद जब फाइनल हम बात करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। नहीं तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्या फ़र्क अभी नज़र आया था। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जनाब 4 से 5 घंटे हो गए हैं और जो फ़र्क मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी वो देखिए अभी अभी आपको नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत डिम सा है, मेकअप किया हुआ ना किया हुआ, और यहाँ पे पता चल रहा है कि एक वर्क हुआ हुआ है, हर चीज़ नज़र आ रही है अपनी जगह पे, कंटूरिंग नज़र आ रही है, ब्लश नज़र आ रहा है, हाईलाइटर स्मूदली आपको नज़र आ रहा है, फाउंडेशन कंसीलर और इस तरफ का एरिया आप दूर से ही देखें तो आपको पता चल रहा है, मतलब कि डिम एंड लाइट। अब आप करीब से देख लें, हर चीज स्मूथली अपनी जगह पे है। ये है मेरा लेफ्ट साइड जहां प्राइमर लगा हुआ है, यहाँ यहाँ खास तौर पे देखना होता है, नाक के पास भी आप देख लें, ये एरिया भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है मेरा राइट साइड है, पोर्स जो हैं बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से देखें ये चीज़ नाक के पास से करीब से दिखाती हूँ, यहाँ से बिल्कुल हट चुका है और फाउंडेशन लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे है। फर्क देख लें आप करीब से, यहाँ फाउंडेशन सेट, फाउंडेशन नहीं, बिल्कुल देख लें ऑयली मेरी स्किन है तो बिल्कुल ऑयल हो गया है ये इस तरफ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया किसी भी चीज़ को, ना ही यहाँ की चीज़ को ना यहाँ की चीज़ को, ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल नुमाया पता चल सके। ये देखें यहाँ पे भी ऑयल है और यहाँ नहीं। तो जनाब ये फ़ायदा है प्राइमर लगाने का, फ़र्क आप देख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या अहमियत है प्राइमर की एक मेकअप के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके इस बात का। और आप सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।